टेक्नोलॉजी के उस दौर में हमारे घरों में मौजूद ज्यादातर अशिया इलेक्ट्रिक करंट से इस्तेमाल होती हैं। बाहर चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, पंखा हो, रेफ्रिजरेटर, मोटर हीटर और ओवन ही क्यों न हो, ये अशिया अक्सर फनी खराबी और कभी तो हमारी लापरवाही के नतीजे में किसी हादसे का सबब भी बन जाते हैं, और ये हादसे कभी तो इतने संगीन हो जाते हैं जो मुतासिर शख्स अपनी जान से हाथ ही धो बैठता है। ये पहर कई लोग जिंदगी भर के लिए मफलूज हो जाते हैं। तो आज के उस वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक करंट लगने के कुछ सबक बताएंगे और आखिर में उसके मुतालिक एहतियाती तदाबीर भी बताते चलेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल साइबर इलेक्ट्रिक करंट से जिस्म के किसी भी हिस्से पर जख्म हो जाए तो उस हिस्से पर कुछ न लगाएं, बल्कि इसे ठंडे पानी से धोएं और उस जख्म को हरगिज़ बंद न करें, वरना जख्म खराब होने का खदशा और ज्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं ये मुख्तसर सी वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप उस पर गौर भी करेंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल भी साबित होगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई के लिए ये वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी के मुतालिक कोई भी कंफ्यूजन हो तो वो लाजमी आप टाइप कर लें, हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि वो कंफ्यूजन दूर हो सके। तो अभी दे हमको इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।